अक्टूबर के पहले दिन यानी 1 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया क्यों जाता है और क्या मकसद है, इसका पूरी जानकारी इस वीडियो में। दरअसल पूरी दुनिया में हर हुए कई शोधों के बाद अब कई लोग ये बात मानने लगे हैं कि सेहत के लिए शाकाहार मांसाहार से बेहतर है। कई विशेषज्ञों की राय है कि शाकाहार को अपनाकर अनेक घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे में इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद अधिक से अधिक लोगों को शाकाहारी भोजन को लेकर जागरूक करना है। इस दिन को मनाने की परंपरा उत्तरी अमेरिका से शुरू हुई। उत्तरी अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी माने NAVS की स्थापना 1977 में हुई थी और उसी साल पहली बार विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। तब ये दिन नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय शाकाहार संघ के साथ साझेदारी में मनाया गया, यानी ये नॉर्थ अमेरिका अमेरिकी शाकाहारी समाज का स्थापना दिवस है। कई लोगों का ये मानना है कि मांसाहार के लिए दुनिया में रोजाना कई पशुओं की हत्या हो रही है, जो ठीक नहीं है। ऐसे में इस दिन शाकाहार को पसंद करने वाले लोग पूरी दुनिया को शाकाहार से होने वाले फायदों और मांसाहार से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। शाकाहार के बहुत से समर्थक इस दिन मांस से बने प्रोडक्ट्स न खाने और हरी सब्जियां खाने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। शाकाहार के समर्थक ये मानते हैं कि मानवता को ध्यान में रखते हुए हुए जानवरों को अपने भोजन बनाने के लिए उन्हें मारा जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो COVID-19 गाइडलाइंस।